तो और मेरे भाइयों कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। तो भाई देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पुलिस कांस्टेबल आप कैसे बन सकते हो, आपके लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी इसको बनने के लिए, और आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उम्र कितनी होनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन करने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक बना रहिएगा। टॉपिक ध्यान से सुनना और समझना, यही पता चलेगा आप पुलिस कांस्टेबल कैसे बन सकते हो। इसके अंदर आपको पूरी विकिपीडिया दे रखी है, बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है OBC और ST कास्ट वालों के लिए क्या चाहिए होगी, कितनी एज होनी चाहिए, कितनी लिमिट देनी चाहिए, क्या मार्क्स होते हैं, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से बात करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड अ वीडियो। पुलिस कांस्टेबल के लिए ये योग्यता, अगर आप पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी योग्यता ज़रूरी है आपके अंदर रहना। अगर आप उन योग्यता को पूरी करते हो या जरूरी है वो योग्यता करना, तभी जाके आप एक पुलिस कांस्टेबल बन पाएंगे। तो बात कर लेते थोड़ा ध्यान से, विद्यार्थी कम से कम 10th या 12th में से किसी भी विषय से पास होना आवश्यक है, 10th और 12th दोनों ही। विद्यार्थी शारीरिक से पूर्ण रूप से अस्वस्थ होना चाहिए। विद्यार्थी की लंबाई व वजन भी सही होना चाहिए। अनुसूचित जाति की बात करें तो 168 सेमी होने चाहिए। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 160 सेमी होना चाहिए। विद्यार्थी पे कोई पुलिस केस होना नहीं होना चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 23 साल के बीच होनी चाहिए, और अगर आप चाहे तो राज्य सरकार द्वारा छूट भी मिल सकती है आपको थोड़ा बहुत। विद्यार्थी कोई जानलेवा बीमारी से सूचित ना हो, कैंसर, एड्स इत्यादि बहुत सारे जो जानलेवा बीमारी होती है। पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए शिक्षित योग्यता, कांस्टेबल बनने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण करनी होनी चाहिए। इसका कोई अंक का योग्यता नहीं रखी गई, मतलब आपके परसेंटेज कितने भी बैठते हैं आपको उसमें जोड़ा नहीं जाएगा, आपके परसेंटेज कैसे भी हो। पासिंग मार्क्स होना इम्पोर्टेंट है। कांस्टेबल बनने के लिए उम्र सीमा, कांस्टेबल बनने के लिए उम्र सीमा 18 से 23 साल के मध्य के बीच होना जरूरी है, तभी आप एक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही नियम अनुसार ST और SC और OBC आदि वर्गों की उम्र में छूट दी गई है। अब थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं पुलिस कांस्टेबल कैसे बने। आवेदन पत्र भरे, पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए सबसे पहले आपको इसके लिए आवेदक करना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आदि में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लिखित परीक्षा, आवेदन भरने के बाद आपका ये पहला चरण होता है जिसमें आपके लिए लिखित परीक्षा की योजना होती है, जो कि अगर मार्क्स की बात करें तो वो होता है 100 मार्क्स का, और OMR सीट दी जाती है जिस पर आपका पेपर होता है। अगर कुछ लोगों को OMR सीट नहीं पता हो तो मैं उसको डिटेल में बताता हूँ कि आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, चार ऑप्शन में से एक जो ऑप्शन आपको लगता है कि सही है उसमें आपको ब्रैकेट वाइज पेन से आपको कर देना है, वो सही आंसर होगा आपका। पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको परीक्षा के बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि इसमें आवेदन करने के बाद कैंडिडेट हिस्सा लेता है। इसमें आपको अपने मेरिट में नाम लाना होता है, जिसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना जरूरी भी है, जब भी आप पुलिस में जाके भर्ती हो सकते हैं। शारीरिक परीक्षा, पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों को शारीरिक परीक्षा में बुलाया जाता है, जिसमें दौड़ कराई जाती है। पुरुष 60 मिनट में 10 किलोमीटर, महिला 30 मिनट में 5 किलोमीटर। साथ में उम्मीदवार की लंबाई और सीने की चौड़ाई भी नापी जाती है, उसके बाद ही आपको किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है। प्रमाण पत्र सत्यापन, दोनों चरण में सफल घोषित हुए उम्मीदवार का ये तृतीय चरण होता है, मतलब तीसरा आपको स्टेज होता है परीक्षा, जिसमें अन्य अधिकारियों द्वारा उम्मीदवार से मूल प्राप्त पत्रों की सूची की जांच करी जाती है। सभी प्राप्त पत्र सही होने के बाद उम्मीदवार को चयन में सफल घोषित किया जाता है। मेडिकल परीक्षा, ये चरण उम्मीदवार के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए करवाई जाती है। इसमें उम्मीदवार की आँख, कान व शरीर के अन्य हिस्सों के बारीकी से देखा जाता है व बीमारी की भी जांच की जाती है। इसमें आँखों का 6.6 - 6.6 होना आवश्यक है।
मतलब कि आंखों में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। इसमें पूर्ण रूप से स्वस्थ पाने जाने के बाद आपको सफल घोषित किया दिया जाता है। पुलिस कांस्टेबल प्रदुन्नति प्रक्रिया, इस पद में प्रदुन्नति की प्रक्रिया बहुत अच्छी है, क्योंकि मेहनत और लगन के साथ काम करने पर आपको पद निरीक्षक के पद पर भी प्रदुन्नति हो जाता है। मतलब एक तरह से आपको प्रमोशन हो जाता है इसमें आपको अच्छी तरीके से, जो कि आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों में आपको पोस्ट में नियुक्ति हो जाती है जब आपका प्रमोशन हो सकता है। अब थोड़ा ध्यान से बात करते हैं हम, जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है, जिसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हर किसी को, वो है सैलरी, वेतन। तो स्टार्टिंग में वेतन जो है 5,200 से लेकर 20,190 रुपये तक हो सकता है, जिसमें 1,900 आपको ग्रेड पे होता है, जिससे लगभग आपको हर महीने 24,000 रुपये तक कांस्टेबल की वेतन हो जाती है। पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए हम आपको सलाह देंगे कि आप अपने सिलेबस के ऊपर ज़्यादा फोकस करें और एनसीईआरटी की जितनी भी बुक होती है उसको पढ़ें। एनसीईआरटी बुक आपको पेपर में अधिक अंक लाने में बहुत ज़्यादा सहायता और बहुत ज़्यादा मदद करती है। वह परीक्षा की तैयारी के लिए सभी विषय की एक बुक ना खरीदें, अलग अलग बुक खरीदें, ताकि आपको पूरी जानकारी बुक से प्राप्त हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि आप पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरें, अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिए, तो मैं आपको एक चीज़ डिटेल में बताता हूँ कि हर स्टेट के अलग अलग आपके निकलते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, आपको यूपी पुलिस हो गया, या फिर एमपी पुलिस हो गया, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ के फॉर्म आप भर सकते हैं। आप अगर जहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं दिल्ली में बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं वहाँ से सर्च करूँगा दिल्ली पुलिस .nic.in, ये सर्च करके मैं अपने फॉर्म भर सकता हूँ वहाँ पे जाके। आप ऐसी सर्च करना, जैसे आपको यूपी में है तो up.government.in, अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो mppolice.government.in, यहाँ पे आपको हर तरह के अवेलेबल हो जाएंगे, आपको अपने तरीके से फॉर्म भरना है। अब थोड़ा सिलेबस के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही सिलेबस 2021, परीक्षा में 300 अंक के प्रश्न पत्र होते हैं तथा परीक्षा की जो आपको टाइमिंग है वो 2 घंटे दी जाती है। प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं वो 2 अंक पर निर्धारित किए गए हैं, लेकिन अगर आपका गलत होता है तो उस पर 0.5 मार्क्स का आपका माइनस मार्क्स लगेगा, मतलब कटेगा 0.5 मार्क्स। अब थोड़ा बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, जो कि आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। फर्स्ट जो है हमारा वो है सामान्य हिंदी, 37 प्रश्न और 47 अंक का। सामान्य ज्ञान 38 प्रश्न और 76 अंक का, मतलब नंबर का। संख्यात्मक क्षमता परीक्षा 38 क्वेश्चन और 76 आपके मार्क्स के। मानसिक क्षमता बुद्धि परीक्षा, तर्क व परीक्षार्ण, 37 प्रश्न और आपके 76 अंक के, मतलब मार्क्स के। टोटल जो आपके मार्क्स है वो है आपके 300 तक आने चाहिए, देन आपके प्रश्न जो होंगे 150 के करीब। यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस, लिंग, वचन, लेखक व उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विद्युत, काल, वाक्य, अव्यय, छव्य, कारक, सर्वनाम, विशेषण, रस, अलंकार, विचार चिन्ह, विराम चिन्ह, मुहावरे व लोकांत्रिया, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण व मूल्य ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, उपसंग, अनेकार्थिक शब्द, सिंधी, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, समास, तर्क तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, क्रिया इत्यादि, बहुत सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है और बहुत सारी चीज़ें आपको आ सकती है इन सब से डिटेल में। मतलब आपको अगर ज़्यादातर आपको पढ़ाई करनी है तो एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ाई कर सकते हो, करंट अफेयर थोड़ा पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप हिंदी में फोकस करोगे तो एटलीस्ट हिंदी से बहुत ज़्यादा चीज़ें निकल के आएंगी आपके लिए, जो कि जैसे आपको हिंदी व्याकरण जो बुक है मोटी वाली, एटलीस्ट आप उसे परचेज कर सकते हो या फिर ऑनलाइन आप पढ़ाई कर सकते हो। गूगल पे आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ से आपको बुक मिल जाएगी। यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हो, व्याकरण की बहुत सारे क्वेश्चन आपको जाएंगे, 100-200 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप पढ़ते रहो, यूट्यूब चला के खोल लो एंड देन आप सुनते रहो, पढ़ते रहो, ऐसी आपको बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी।
तो यही वीडियो में था, मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी। अगर आपको इसमें कुछ छूट रहा हो तो आप मुझसे ऐसे कमेंट करके पूछ सकते हो, जो कि मैं आपके कमेंट के रिप्लाई दे दूंगा। और आप ऐसी जो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, और थैंक यू सो मच गाइस।